पूर्व शहर के रिहायशी इलाके खिरकापुरा से अपहृत हुए कक्षा 4 में पढ़ने वाले 8 वर्षीय मासूम हर्ष का शव पुलिस ने आज बरामद कर लिया, जबकि इस अपहरण और हत्या में 3 आरोपी पड़ोसी संजू, सुनील और हरि कुशवाहा ही निकले, जो पुलिस को गुमराह कर रहे थे, जबकि अपहरण के बाद रेप में असफल होने पर उन्होंने मासूम की हत्या कर शव को बोरी में बांधकर पानी से भरी खाई में फेंक दिया था। अपहरण की सूचना के बाद से ही पुलिस अधीक्षक कैप्टन एमएम बेग ने पुलिस की कई टीमें गठित कर मासूम की साकुशल बरामदगी के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे, जबकि मृतक मासूम के पिता दीपक कुशवाहा द्वारा बताया गया था कि अपहरणकर्ताओं ने फोन पर बच्चे को छुड़ाने के एवज में 5 लाख की फिरौती भी मांगी थी, मगर उसके बाद से अपहरणकर्ताओं को कोई संपर्क नहीं हो पाया। पुलिस की जांच में पता चला था कि जिस फोन से फिरौती की मांग की गई थी वह चोरी का फोन था। पुलिस ने बच्चे को साकुशल बरामद करने के प्रयास तेज कर दिए थे। शक के दायरे में आए कई लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया था। पहले तो पूछताछ में वह पुलिस को गुमराह करते रहे, मगर जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने शहर के बाहर लगभग 4 किलोमीटर दूर सुनसान इलाके में पानी से भरी खाई से बच्चे का शव बोरी में बंधा हुआ बरामद कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक कैप्टन एमएम बेग ने बताया कि उक्त तीनों पड़ोसी अभियुक्तों ने बच्चे का अपहरण कर उसका रेप करने की कोशिश की और असफल होने में उन लोगों ने उसकी हत्या कर शव को पानी से भरी खाई में फेंक दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए उन्होंने चोरी के मोबाइल से फिरौती मांगने का नाटक किया और पुलिस को गुमराह करते रहे। अंकल एक बार थोड़ा सा गैप करो। हाँ बताइए, क्या पूरा मामला, कैसे बच्चा गायब हुआ, कितनी उम्र है, कहाँ से हुआ है? ये 16 तारीख की बात है, दोपहर 2:30 या 45 हो रहे होंगे। तो घर पे बच्चा और उसकी छोटी बहन दोनों अकेले थे घर पे। ये लोग बाहर खेल रहे थे तो पता नहीं चल रहा, फिर उसके बाद मतलब कि बच्चा कहाँ गोल हो गया है। छोटी बच्ची वहीं पर, बाद में उसने बताया कि भैया मिल नहीं रहा है, मम्मी के लौटने पर बाजार गई थी जो, तो लौट के आई तो उसने बोला कि भैया नहीं मिल रहा है मम्मी, तो उसने फिर मुझे फ़ोन किया। फिर उसके बाद 4 मुझे कॉल आई कि आप पैसों की व्यवस्था करके रखिए और आपका बच्चा बीना पहुंच चुका है। कितना पैसा मांगा गया? मुझसे सर 5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। अच्छा, तो अभी कुछ पता चला कि नहीं पता चला? अभी 3 हो चुके हैं और कुछ भी। कहाँ शिकायत की आपने? सब जगह शिकायत कर चुके हैं, कोतवाली हैं, कोई पता नहीं चला है। पुलिस से कुछ बात हुई आपकी? पुलिस से ही कर चुके हैं। कोई बात हुई क्या, कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अभी आप लोग शांत रहिए, मामला चल रहा है, हम लोग जांच कर रहे हैं और जल्दी। आपका नाम? चलिए तो बात है ठीक। अभी 16 तारीख में एक बच्चा गुम हो गया था,
उसके परिवार के द्वारा किसी के बहला फुसा के ले जाने के संबंध में एक सूचना दी थी कोतवाली में, जिसमें एफ आई आर दर्ज की गई थी। एफ आई आर दर्ज होने के बाद चूंकि बच्चा बहुत छोटा था, हम लोग तत्काल उसमें कार्रवाई में लगे, विवेचना घनता से की गई, इसमें टीमें गठित की गई, एडिशनल SP, COCT और हमारे 3 अन्य टीमें मेरे निर्देशन में लगातार इसमें काम करती रहीं। उस बच्चे का आज जानकारी पूरी हुई और ये बहुत दुखद है कि उस बच्चे की हत्या 3 लोगों ने की है जो उसके ही पड़ोसी हैं। ये 3 व्यक्ति जो आपके सामने पीछे खड़े हुए हैं, संजू कुशवाहा, सुनील कुशवाहा और हरी कुशवाहा, ये उस बच्चे के मोहल्ले ही में रहते हैं और उस बच्चे के मकान के ठीक बगल में ही इनका घर है। इस बच्चे के साथ मोलेस्ट करने की लोगों ने कोशिश की एक रिमोट स्थान पर, बच्चे के रेजिस्ट करने पे इन्होंने बच्चे की गला दबा के हत्या कर दी और उसी दिन उसको एक बोरे में भर के बॉडी एक निर्जन स्थान पर ले जाके छोड़ दिया था। पूरे जनता से छानबीन और तथ्यात्मक साइंटिफिक एविडेंस की पूरी जानकारी करने के बाद, लिंक जोड़ने के बाद इन लोगों ने सारी चीज़ें कबूल की। इनकी निशानदेही पर बच्चे की बॉडी बरामद की गई है, उसमें वैधानिक कार्रवाई करते हुए इनको हम जेल भेज रहे हैं और हमारा ये प्रयास होगा कि इस विवेचना को जल्द से जल्द हम लोग पूरा करके माननीय न्यायालय से अनुरोध करके इनको जल्द से जल्द सजा दिलवाएं, ताकि इस तरह का कोई जो काम गलत काम किया गया है एक संदेश जाए कि ऐसे करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा और जल्दी से जल्दी सजा हमको दिलाएं। जैसा मैंने बताया, इनका इंटेंशन मॉलेस करने का था बच्चे का, लेकिन पुलिस को और परिवारजन को मिसगाइड करने के लिए एक क्रिमिनल के तौर पर इन्होंने कॉल भी की थी, वो मोबाइल भी हमें रिकवर हो गया है, वो सिम भी बरामद हो गई है, सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं और इनके ठोस पर्याप्त साक्ष्य और इनके सबूतों के आधार पर इनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इनको हत्या कैसे की गला दबा कर।